तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है मेरा फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो नॉन मॉड्यूलर किचन पे है कि मैंने किस तरह मेरे किचन को ऑर्गेनाइज किया है। नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा, तो मुझे कुछ टिप और ट्रिक्स पता है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। किचन चाहे हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तभी हमारा किचन ब्यूटीफुल लगता है और काम करने में हमारा मन लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है कुछ इसी तरह का है वीडियो। इसमें मैंने अपना किचन के सारे ऑर्गेनाइजर मैंने जो जो इंक्लूड किए हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट होता है और बिल्कुल दरवाजे के बाजू ही मेरी फ्रिज रखी है, जिस पे मैंने एक बॉक्स रखा है। इसमें मेरे किचन के सारे टॉवेल्स सब कुछ रखे रहते हैं जो किचन में लगते हैं। साथ में एक मोबाइल होल्डर है और साथ में टिश्यू पेपर का बॉक्स भी रखा है जो डेली यूज़ होता है। उसके बाजू से ही आप देखेंगे तो मेरी स्टील की रैक है, जिसमें मैंने सारे डेली यूजेस के मेरे जो भी है डेली चम्मच कटोरी जो भी मेरी प्लेट्स वगैरह है थालियाँ मैंने इसमें रखी हूँ अच्छे से, ताकि मैं डेली यूज़ कर सकूँ। उसके बाजू में ही मेरी एक अलवीरा है, जिसमें कुछ मैंने ऊपर में जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं वो बर्तन मैंने रखी हूँ। साथ में आप देख रहे हैं वहाँ पे मेरा एक मनी प्लांट भी लगा है, जिससे काफ़ी खूबसूरत लगती वो मेरी रैक है। और इसमें यहाँ पे स्टील के डब्बे है और इसमें डेली यूजेस के मेरे जो भी चीज़ें हैं सब रखी है। और आप देख ही सकते हो कि नीचे में मेरा मंदिर भी है, नीचे में कॉर्नर पे वहाँ थोड़ी जगह बची थी तो वहाँ मैंने अपना मंदिर सेट कर दिया था। फिर मंदिर के बाजू ही चलते हैं ऊपर, तो मैंने तो फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी स्टील की रैक आप अपने किचन नॉन मॉड्यूलर किचन में इंक्लूड करें, ताकि इसमें सारी हमारी छोटी छोटी बॉटल्स जो भी डब्बे डेली यूजेस के वो आ जाए। साथ में मैंने बाजू में एक मेरी मसालदानी रखी है और उसके ही बाजू मेरा तेल का कैन है जिसमें मैं तेल रखती हूँ। और बाजू में और इस स्टील की जो रैक है इसमें ही मैंने अपना छोटा एक मनी प्लांट लगा दिया था बॉटल में, जिससे काफ़ी शोभा बढ़ गई किचन की और अच्छा लगने लगा। उसके बाजू से ही आप देख रहे हो यहाँ मेरा गैस स्टोव है, और गैस स्टोव के जस्ट बाजू में ही आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि आप मैंने एक टोकनी रखी है जिसमें कि मेरा एक नमक का डब्बा है, और इसी टोकनी में जो भी एक्स्ट्रा रहता है चिमटा और बेलन वगैरह वो मैं सब रख देती हूँ इसमें, नाइफ। और उसके बाजू में ही एक ऑर्गेनाइज़र है फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपने किचन में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, इसको हैंग भी किया जा सकता है और इसमें तवा कोरपाट बेलना काफ़ी सारा सामान आ जाता है। उसके बाजू से ही एक मैंने ट्रे में मैंने मिक्सर रखी हूँ, ताकि ट्रे हटाए तो वहाँ की जो प्लेस है वो अच्छे से साफ़ की जाए। और उसके बाजू ही मेरा बर्तन का टोकना रखा है, जिसमें कि मैं अपने बर्तन धोकर साफ़ कर कर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये तो मेरा काउंटर टॉप इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। अब चलते ऊपर सज्जे की ओर, तो सज्जे में आप देख रहे हैं कुछ एल्यूमिनियम और स्टील के डब्बे है, और कुछ जो कम काम आने वाले बर्तन हैं वो भी मैंने ऊपर रखे हैं। और ये सब डब्बों में पापड़, सेवैया, अलग अलग प्रकार के पापड़, चिप्स आदि सब मैंने रखे हैं। और जो बर्तन हमें बहुत कम यूज़ होते हैं वो भी मैंने ऊपर रख दिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे ना नॉन मॉड्यूलर किचन, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारा किचन और ब्यूटीफुल भी लगता है। तो आप बताइए आपको कैसा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरा किचन, मैंने किस तरह मेरे किचन को छोटी जगह में कैसे मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंड्स। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे चैनल का नाम है लाइफ जर्नी विथ MD। तो फ्रेंड्स, आप सब अभी अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि नागपुर में तो कुछ दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी, और आपके शहर का क्या हाल चाल चालू है, कैसी ठंडी है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना फ्रेंड्स। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।